आरजेडी के एक सांसद हैं, उनके घर पर भी रेड हुई है। अशफाक करीम शायद उनका नाम बताया जा रहा है, इससे जुड़ा कोई अपडेट हो तो जरा वो भी बताइए। तो अशफाक करीम आरजेडी के सांसद हैं, उनके घर पर रेड हुई है। आरजेडी के एमएलसी पटना में उनके घर पर रेड चल रही है। आरजेडी के सांसद हैं अशफाक करीम, उनके घर पर छापेमारी चल रही है। तो नीतीश, क्या ये अशफाक करीम के घर पर जो रेड हुई है ये भी सीबीआई कर रही है? देखिए, अभी अभी सिर्फ ये जानकारी है कि अशफाक करीम के घर पर रेड हुई। यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं पार्टी के नेता। मतलब की भावना से ही सब किया जा रहा है डरवाने के लिए, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनी है और आरजेडी के प्रमुख नेता हैं, तो हमको लगता है कि डरवाने के लिए रेड उन लोगों वो लोग बताएं इस मामले में हो रही है। हमको नहीं पता है, सीबीआई है, ईडी है, नहीं हमको नहीं पता। तो क्यों लगता है सर कि राजनीति की वजह से हो रही है? क्योंकि ये तो सहकारिता के नेता हैं, साफ छवि के लोग हैं और शुरू से आज तक इन पर कोई दाग नहीं है और हम लोग जानते हैं, व्यक्तिगत भी इनको जानते हैं। पहले से भी लग रहा था, ऐसी आशंका थी कि ऐसा हो जी जी। यही रात हम लोग शंका भी सब लोग बैठे हुए थे, आप लोगों में से भी बहुत लोग बैठा हुआ था, हम लोगों को आशंका थी। क्या कहा था तेजस्वी यादव ने, आशंका जताई थी क्या उन्होंने? नहीं, तेजस्वी यादव जी से हमारी बात नहीं हुई थी। हम लोग अपना पांच को विधायक एमएलसी बैठे हुए थे, तो कोई खेला होगा इस बात की हम लोगों को मैंने एहसास था। क्यों ऐसा लग रहा था? चूंकि सरकार गई है, ये लोग बौखला गया है और आरजेडी के प्रमुख नेता भी हैं, कोषाध्यक्ष हैं। एक सांसद के घर भी छापेमारी हो रही है, अशफाक करीम नाम है, वो भी आरजेडी के सांसद हैं। और आरजेडी टारगेट पे है, टारगेट पर है। तो आरजेडी ही टारगेट पे क्यों है? अब क्यों कहा जाए, कई नेताओं के घर पे चर्चा है, अब चल रहा है एकदम, मैंने देश में, पूरे देश में ऐसा हो रहा है और चारों तरफ हो रहा है। बदले की भावना से किया जा रहा है, आज फ्लोर टेस्ट है इसको डरवाने धमकाने के लिए कि विधायक भाग जाए। और इसी कारण आगे क्या रणनीति बनाई आप लोग जी? बनेगी रणनीति, जो लड़ाई होगा जमकर जवाब दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस छापेमारी से आपके विधायकों पर असर पड़ेगा? हम लोग लड़ने वाले कोई असर, कोई डरने वाला नहीं है। सहकारिता के नेता है सब लोग, हम लोग लड़ने वाले लोग, कोई डरने वाले नहीं है, हम लोग डरेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर जो पार्टी के नेता है वो पहुँचने शुरू हो गए हैं और हर अब यहाँ पर अपनी बातें भी रख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो बदले की कार्रवाई है वो की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है और ये सारी बातें अब कही जा रही हैं। तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा धीरे धीरे अब यहाँ पर पार्टी के नेता पहुँचने शुरू हो जाएंगे। हम आपको उस घर के अंदर की तस्वीर भी कुछ दिखा सकते हैं, ये कमरे के अंदर का कुछ हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, इसके पीछे जो कमरे हैं वहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं। कुछ देर पहले उनकी पत्नी यहाँ पर सामने आई थी और उन्होंने अपनी बातें रखी थी, लेकिन आरजेडी के नेता पहले से यह कहते रहे हैं और कल रात इस बात की चर्चा तेजस्वी यादव के आवास पर हो भी रही थी। उन्होंने हिदायत भी दी थी कि आप लोग इसको लेकर सतर्क रहें, सावधानी बरतें। और अब जब फ्लोर टेस्ट का आज दिन है और छापेमारी हुई है तो जाहिर है इस पर अब काफी चर्चा होगी और हंगामा भी होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।